हेलो मेरे दोस्त, हरिद्वार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत खूबसूरत जगहें जहाँ पे मैं घूमने चल रही हूँ। तो चलो चलते हैं मेरे साथ, बने रहिए वीडियो में। मेरे दोस्त, आप हरिद्वार में कहाँ से हैं कमेंट में जरूर लिखें और हमें बताएं हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बनाएं। तो मेरे दोस्त बने रहे वीडियो में, मैं चलती हूँ आपको नेक्स्ट लोकेशन दिखाती हूँ। हर की पौड़ी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी के बाद आपको मिलेगा ये बिल्केश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ के मंदिर के बारे में बताते हैं या ये मंदिर घुमाते हैं आपको अपने साथ। आइए, भगवान भोलेनाथ वहां से खड़े होकर वो दृश्य देख रहे थे जिस टाइम भगवान वीरभद्र जी को वहां पर भेजा और उन्होंने विध्वंस किया। विध्वंस किया, राजा दक्ष की मस्तक को अलग कर दिया और हवन कुंड में डाल दिया। इसके बाद फिर जब थोड़ी शांति हुई तो भगवान शंकर ने बकरे का मुख काट कर दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे जंगल का एरिया आ गया है। जंगल में एक छोटी सी नदी भी चल रही है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल अभी इसमें पानी नहीं आ रहा, हो सकता है बरसात के टाइम काफी ज्यादा इसके अंदर पानी चलता हो। और पूरा ये जंगल का दृश्य है, यहाँ पे जंगल का सीन है, बहुत शांति है यहाँ पे। देखिए अगर कोई छोटा सा जानवर भी अगर चलता है तो कितनी आवाज यहाँ पे हमें सुनने को मिलती है। दोस्तों मैं अपने कैमरा मैन से भी आपको मिलाती हूँ जो हमारी वीडियो बनाते हैं। काफी अच्छी वीडियो हमें एडिट करके देते हैं और बनाते हैं। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। तो बिल्केश्वर मंदिर पे दर्शन करने के बाद आज का टूर हम यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों एक पूरे एक दिन के अंदर आप हर की पौड़ी से ये दोनों जगह बहुत ही आराम से घूम सकते हो और अपना दिन बहुत ही अच्छे से बिता सकते हो।